हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुप्ता सुधिगुप्ता मैथ्स टीचर टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर थर्टीन एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट वन ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड रेडियस सिक्सटी सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हैमिस्पेयर ऑफ रेडियस सिक्सटी सेंटीमीटर इज़ प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम फाइन द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज सिक्सटी सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ वन एटी सेंटीमीटर ठीक है इसकी मैं डायग्राम बना रही हूँ फिर आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है तो डायग्राम देखिए आपको बोला गया है बेटा क्वेश्चन में एक आपके पास राइट सर्कुलर कोन है जो हैमिस्फेयर के ऊपर है ठीक है फिर वही आपने जो शेप बना के वो आपने रखनी है किस में सिलेंडर में और ये सिलेंडर है जो ये इसमें पानी से भरा हुआ है ये ठीक है जब आप ये शेप इसमें डालेंगे ठीक है ये भी सॉलिड है मतलब ये सॉलिड शेप है आपके पास ओके जब आपने ये डाली इसमें शेप शेप तो आपके पास कितना वाटर जो है इस सिलेंडर में लेफ़्ट रह गया ठीक है जब आप शेप डालेंगे कुछ पानी जो है वो बाहर आ जाएगा कुछ वाटर जो है आपका क्या आ जाएगा बाहर निकल जाएगा ठीक है तो रिमेनिंग जो वाटर है वो कितना लेफ्ट रह गया इस सिलेंडर में वो आपको बताना है ओके तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसमें से वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्लियर है बेटा तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो राइट कर रहे हैं गिवन हमें दिया गया है सबसे पहले हमें कौन का दिया गया है तो आप लिखेंगे हाइट हाइट ऑफ कौन तो हाइट ऑफ कौन आपको दी गई है उसको आप स्मॉल एच ले लीजिए वो दी गई है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये है आपके पास कौन इतनी हाइट आपको दी गई है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर फिर आपको दिया गया है रेडियस तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कौन वो आप ले रहे हैं स्मॉल आर तो वो है आपके पास कितना सिक्सटी तो इतने ये जो दिया है वो सिक्सटी है आपके पास ओके okay, बेटा आप लिखेंगे सिक्सटी सेंटीमीटर और आपको नेक्स्ट दिया गया हैमिस्फेयर ऑफ रेडियस सिक्सटी हेमिसफेयर का भी रेडियस आपको सिक्सटी दिया गया है तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिसफेयर वो है आपके पास अगेन उसको स्मॉल आर ही लेंगे आप सिक्सटी सेंटीमीटर सेम है ना और इसलिए हम ले रहे ठीक है नेक्स्ट आपके पास दिया गया है सिलेंडर uh, का रेडियस एंड हाइट तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर तो वो है आपके पास कितना दिया गया है वो दिया गया है बेटा सिक्सटी अगेन तो ये भी आप स्मॉल आर ही लेंगे क्योंकि आपके आर जो हैं कॉमन आ जाएंगे फिर ठीक है अब आपको हाइट दी गई है सिलेंडर की तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर अब हाइट ऑफ कौन थी हाइट ऑफ सिलेंडर है इसको आप कैपिटल एच ले लीजिए ठीक है वो है हमारे पास वन एट्टी सेंटीमीटर तो आप ये लिखेंगे हमारे पास जो हाइट है सिलेंडर की वो टोटल कितनी है वन एट्टी ठीक है बेटा ये आ गया हमारे पास ओके तो अब हमने क्या लिखना है हमारे पास वॉल्यूम कितना लेफ्ट रह गया वाटर का तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर ठीक है तो इसके लिए आपने क्या करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ठीक है ये कर लेंगे आप ओके बेटा तो हम इस साइड ही करेंगे ऊपर आप लिख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू आया बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई सिलेंडर का आपने आर हमारा सेम ही रहेगा एच आया ये कैपिटल लिया आपने ठीक है और माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन में आता है वन बाई थ्री पाई आर स्क्र इसका एच आपका स्मॉल ही है प्लस करेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमस्पेयर के लिए टू बाई थ्री पाई आर क्यूब ओके okay? ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्लियर है बेटा नेक्स्ट आप इसकी वैल्यू डालेंगे पाई आप देख रहे हैं तीनों में है इसलिए हमने थ्री पॉइंट वन फोर वैल्यू भी दी गई है आई थिंक इसकी पाई की आपको नहीं दी गई तो आप ट्वेंटी टू ही लेंगे फिर इसको हम ट्वेंटी टू करेंगे इसको कट कर दीजिए ट्वेंटी टू बाई सेवन लीजिए ठीक है नहीं दी गई वैल्यू फिर हमारे पास पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन है इसलिए सिक्सटी मल्टीप्लाई सिक्सटी वो कॉमन ले लिया हमने सबका पाई ले लिया आर स्क्वायर ले लिया पाई ले लिया आर स्क्वायर पाई और आर स्क्वायर सब में कॉमन ले लिया अब हमारे पास बचा है एच सिलेंडर का एच जो है वो क्या है वन एट्टी है हमारे पास वैल्यू माइनस ब्रैकेट रखेंगे स्मॉल क्योंकि ये दोनों वैल्यू प्लस होंगी कोन की और हेमिसफेयर की इसमें हमारे पास एच बचा है तो कोन का एच है हमारे पास वन ट्वेंटी ठीक है और प्लस हमारे पास है यहाँ पे टू बाई थ्री और आर जो है वो कितना है हमारे पास एक आर बचा है वो है सिक्सटी तो आप सिक्सटी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे ठीक है अब हमारे पास जो बचा है यहाँ पे ट्वेंटी टू सेवन मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स जीरो ज़ीरो वन एट्टी माइनस ये हुआ हमारे पास वन ट्वेंटी बाय थ्री प्लस स्मॉल ब्रैकेट ले लो यहाँ पे आ गया हमारे पास वन ट्वेंटी अगेन अपान में थ्री ट्वेंटी टू बाई सेवन थ्री सिक्स ज़ीरो ज़ीरो वन एट्टी माइनस बेटा ये प्लस कर देंगे टू फोर्टी अपान थ्री ट्वेंटी टू बाई सेवन थ्री सिक्स ज़ीरो ज़ीरो इसको बेटा एल्शियम लेंगे यहाँ पे फाइव फोर जीरो माइनस टू फोर जीरो अपॉन में थ्री ट्वेंटी टू सेवन मल्टीप्लाई थ्री सिक्स जीरो जीरो मल्टीप्लाई बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइव में से टू गया थ्री तो थ्री हंड्रेड अपॉन थ्री आ जाएगा ये और तो ये काटा आपने हमारे पास यहाँ पे हंड्रेड रह गया ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई थ्री सिक्स ज़ीरो जीरो और ये टू ज़ीरो आ गया आपके पास इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेवन नाइन टू फोर ज़ीरो ठीक है अपान में सेवन तो जब आपने इसको सेवन से डिवाइड किया आपके पास वैल्यू आ रही है वन वन थ्री वन फोर टू एट पॉइंट सेवन फाइव सेवन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये आया आपके पास अब बेटा आपको पीछे आंसर दिया गया वो मीटर क्यूब में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे वन वन थ्री वन फोर टू एट पॉइंट फाइव सेवन अब सेंटीमीटर की जगह हमने मीटर क्यूब करना है तो हम उससे सिक्स ज़ीरो आएंगे हमारे नीचे एक मीटर के लिए हंड्रेड और थ्री के लिए हंड्रेड को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड तो ये आ जाएगा आपके पास तो आपके पास आंसर जो आया वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट वन थ्री वन और बाकी आप लीव कर देंगे वन के बाद की वैल्यू लीव कर देंगे आप तो एम क्यूब मीटर क्यूब ठीक है हमारे पास जो वाटर रिमेनिंग रह गया किसमें सिलेंडर में वो इतना रह गया ठीक है तो आप लिखेंगे हैंस वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सिलेंडर इज वन पॉइंट थ्री वन थ्री वन मीटर क्यूब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया है स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ सिलेंड्रिकल नेक एट सेंटीमीटर लॉन्ग टू सेंटीमीटर इन डायमीटर द डायमीटर ऑफ इस स्फेरिकल पार्ट इज एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी थ्री फोर्टी फाइव सेंटीमीटर क्यूब चेक वेदर शी इज़ करेक्ट ंग दब एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर आपको दिया गया है एक ये सफेरिकल ग्लास ठीक है उसकी जो नेक है वो है सिलेंड्रिकल नेक ये आपने बना दी सिलेंड्रिकल नेक ओके अब आपको बोला गया है जो आपके पास सिलेंड्रिकल नेक है उसकी जो लेंथ है वो टोटल एट सेंटीमीटर है और जो ऊपर का इसका डायमीटर है वो टू सेंटीमीटर है और जो नीचे स्फेरिकल पार्ट दिया गया है इसका जो डायमीटर है वो आपके पास एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है ठीक है अब आपको बताना है इसमें जो वाटर है वो कितना हो सकता है वॉल्यूम आप ठीक है अब एक चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम निकाला थ्री फोर फाइव सेंटीमीटर क्यूब आपको बताना है कि ये वॉल्यूम करेक्ट है कि नहीं है ठीक है तो हम वॉल्यूम निकाल के चेक करके बताएंगे क्लियर है बेटा जो गिवन है वो राइट करेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल नेक तो आप सीधा सिलेंडर लिखिए हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास कितनी है एट सेंटीमीटर ओके तो रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर वो आपके पास टू बाय वन टू बाई टू तो वन आ जाएगा ओके नेक्स्ट आप रेडियस लिखेंगे किसका स्पेयर स्फेर का स्फेरिकल पार्ट तो स्पेयर ही लिखिए आप स्फेयर वो एट पॉइंट फाइव है उसको टू से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो डायमीटर दिया गया है ये आ गया आपके पास रेडियस इसका अब आपने वॉल्यूम निकालना है तो लिखे वॉल्यूम ऑफ किसका ये होल फिगर तो इसको हम बोलेंगे स्पेरिकल ग्लास वेसल, वेसल लिख लीजिए ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल लिख लीजिए वाटर इन द वेसल ओके ये आपने डाल दिया यहाँ पे बेटा आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्र एच प्लस यहाँ पे स्फेयर का आर अलग है तो इसको आर कैपिटल कर लीजिए तो स्फेयर के लिए फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब आ गया आपके पास ओके okay. तो बेटा पाई सेम है सिर्फ तो थ्री पॉइंट वन फोर पाई दिया गया आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है आपके पास वन रेडियस ऑफ सिलेंडर वन ही है ना हाँ वन मल्टीप्लाई वन हाइट है एट प्लस फोर बाई थ्री पाई आपने बाहर ले लिया आर ले लीजिए फोर पॉइंट टू फाइव फोर पॉइंट टू फाइव फोर पॉइंट टू फाइव यह आ गया आपके पास आर थ्री पॉइंट वन फोर इसका एट हो गया प्लस इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी बेटा थ्री ज़ीरो सेवन पॉइंट ज़ीरो सिक्स ओके नीचे थ्री है तो थ्री रखेंगे आप थ्री पॉइंट वन फोर एट के साथ एल सी एम बजाय पहले आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास वन ज़ीरो टू पॉइंट थ्री फाइव आ गया ओके okay, बेटा नेक्स्ट आप यहाँ पे कर रहे हैं आगे हमारे पास देखिए यहाँ पे थ्री पॉइंट वन फोर अंदर आप इसको प्लस कर लेंगे आपके पास वैल्यू आ गई है वन वन ज़ीरो ठीक है ये आ गया पॉइंट थ्री फाइव अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फोर सिक्स पॉइंट फाइव वन सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपके पास क्लियर है बेटा जो चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम बताया था वो थ्री थ्री फोर फाइव सेंटीमीटर क्यूब बताया था मतलब चाइल्ड जो आया वो आपके पास क्या आया इज़ इनकोरेक्ट आया है ना तो वो आप लिखेंगे हैंस द चाइल्ड इज नॉट करें ठीक है ये आपने राइट कर दिया ओके थैंक यू